हेलो नमस्कार टू ऑल ऑफ यू, दिस इज अनुराग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग्स। आज है सैटरडे, संडे और मंडे लॉन्ग वीकेंड है। प्लान है वैष्णो देवी जाने का, और वैष्णो देवी हम अपने घर से निकल रहे हैं हल्द्वानी से, और जहां तक मुझे पता है हल्द्वानी से वैष्णो देवी कोई बाय रोड अभी तक नहीं गया है। तो आई गेस अगर हम अभी जा रहे हैं तो आई थिंक ये पहला वीडियो होगा जो बाय रोड फ्रॉम हल्द्वानी टू कटरा जाएंगे जम्मू। इस जर्नी को हम अभी शुरू करेंगे, एक घंटे में तैयारी वारी होने में लगी हुई है। यहाँ से जो डिस्टेंस है वो करीब है 900 किलोमीटर का, और 17 से 18 घंटे लगेंगे ड्राइव करने में। तो अभी क्योंकि 8 बज रहे हैं, एक घंटा करीब तैयारी वार होने में लगेगा, मैं मान के चल रहा हूँ। 9 बजे निकलेंगे तो हम रात में करीब पहुंचेंगे 2-3 बजे तक, इतना मैं मान के चल रहा हूँ। और उसके बाद पहुंचने के बाद हम उसी टाइम चढ़ाई करेंगे कि क्या करेंगे, इसका भी मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो तू ये ले जा रही है, एक है ना, तीन जोड़ी ले जा रही है ना, दर्शन करते हुए पहनूंगी मैं इसको। चक्को तो हम नहीं ले जा रहे, नहीं चक्को नहीं ले जा रही, चक्कू जो हमारे साथ नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर रहेगा माँ बाबू के साथ, ठीक है। और हम लोग फिर मंदिर को मिलेंगे। चक्कू ठीक है बबू, फटाफट से चाय पी लेते हैं। हे क्या चलता है ये सब, ये देखो तू जरा, ये देखिए मेरे कुत्ते की करतूत, हर जगह रोटी छुपा छुपा के डाल देते हैं, हर जगह क्या करे। तो सामान अपना रेडी हो गया, इसमें है अपने कपड़े, इसमें है मेरा लैपटॉप इन केस अगर काम करना पड़ा तो, क्योंकि भरोसा नहीं है, हो सकता है कि शायद लेट भी हो जाए। 3 दिन का हम लेके चल रहे हैं, अगर लेट वेट हुआ तो फिर वहीं से काम करना पड़ेगा। दूसरा ये है आइस बॉक्स, ये मेन है, इसमें हम अपना खाना रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक रखेंगे और 2 रेड बुल रखेंगे जो मैं ले आया हूँ अभी। और अब चलते हैं किचन में। अच्छा, कोकोनट ऑयल में आलू बना रही है, ए हे क्या बात है। यस, बहुत टेस्टी बनेंगे, और कोकोनट ऑयल इक्वली टेस्टी होता है। इसमें आलू आ गए अपने, इसको मैश करने के बाद इसमें फ्राई कर लेंगे। प्याज नहीं डालना ना, वो ठीक है। और उसके बाद इसको ब्रेड में लगा लेंगे, एज ए सैंडविच लेके जाएंगे हम लोग। हाँ, इजी भी रहेगा ना। हाँ, खुशबू कितनी मजेदार आ रही है ना। तो कर दिए सैंडविच तैयार की है। गूगल मैप पे देखा तो उसमें तो दिखा रहा है गूगल मैप, और उसमें गूगल में भी दिखा रहा है कि टेम्परेचर तो डाउन है, 15-16 डिग्री तक है। पर जम्मू साइड है ना इंडिया। हाँ, जम्मू साइड है तो ठंडा होगा, बट फिर भी एक रख लेते हैं, एक जैकेट मेरी भी ऐसे रखी हुई है। तो मैं अपने गाड़ी में पेट्रोल फुल करा रहा हूँ, और हल्द्वानी में जो पेट्रोल का प्राइस है वो है 94.46 फुल, देखते हैं कितना होता है। टंकी हो गई है फुल, और इसको करके 37 कर देते हैं पूरा राउंड फिगर में। हाँ ठीक है, इतना ही रहने दो, ठीक है, हो गया 39.39 लीटर। मैं अपना ट्रिप जो है उसको मैं सेट कर देता हूँ, ट्रिप 1 को रीसेट इंडिविजुअल में कर देते हैं, इसमें कर देते हैं ट्रिप ओडोमीटर होल्ड, ओके ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद हम इसमें एवरेज फ्यूल का भी रीसेट कर देते हैं, देखते हैं कि कितना एवरेज देगी मोटा मोटी, ठीक है, ये हो गया। ट्रिप टाइमर की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया अपना सेट। दरबारों वाली माता की जय, जोर से बोलो जय माता दी, लेट्स रॉक, लेट्स रॉक। मेन हाईवे पे पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा था कि ये मैप की वजह से ना अभी तक का करीब 1-1.5 घंटे का जो सफर था, हम लोगों ने लाल कुआं क्रॉस किया, पंतनगर क्रॉस किया, और पंतनगर यूनिवर्सिटी क्रॉस करते ही लेफ्ट रुद्रपुर को मुड़ जाते हैं, और एक राइट को मुड़ जाते हैं जो आपका गदरपुर और दिनेशपुर ऐसे करके एक दो जगह है, वो राइट को वहाँ को मुड़ जाते हैं। तो मैप वहाँ से लेते हुए हम लोग को आया है, और वो वाला जो रास्ता है वो बहुत ही ख़राब रास्ता है, और करीब 1-1.5 घंटे का रास्ता है जो आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उसमें, जब तक आप इस रूट पर ना पहुँच जाएँ। ये अब हाईवे चल रहा है, ये अभी ये सही हाईवे आया है, ये वाला जो हम गदरपुर वाले रास्ते से आ रहे हैं, दिनेशपुर वाले रास्ते से आ रहे हैं। हम लोगों को पंतनगर क्रॉस करते ही आगे रुद्रपुर के लिए जैसे लेफ्ट मुड़ते हैं ना, लेफ्ट ले लेना चाहिए था, और फिर उसके बाद सीधे जाके आगे चौक आता, फिर चौक से राइट लेना चाहिए था मेरे हिसाब से, लेकिन मैप में कुछ और दिखा रहा था। तो खैर, वही जो 1-1.5 घंटे का जो समय है वो वहाँ पर बर्बाद हुआ। अभी हो रहे हैं 12:30, और मैप के हिसाब से, एक बार मैप दिखा रहे,
मैप के हिसाब से 4:21 मतलब ये सवेरे का टाइम है, सवेरे 4:21 में हम लोग पहुँचेंगे कटरा। 15 आवर्स की जर्नी अभी भी है, 800 किलोमीटर अभी भी रिमेनिंग है। 34 डिग्री सेल्सियस ये दिखा रहा है, गर्मी है, गर्मी तो है, यहाँ तो बैठे बैठे लोगों को गर्मी लग रही है। अरे इसी रास्ते से तो हम देहरादून भी गए थे मामा के घर पे। हाँ, इसी रास्ते से गए थे हम लोग, यही रास्ता हम लोग को आगे से लेना चाहिए था, अब ध्यान नहीं है ना क्योंकि अब आगे कहाँ से कटेंगे हम पता नहीं, लेकिन ये वही वाला रास्ता है जो हरिद्वार देहरादून के लिए जाता है, ऋषिकेश के लिए जाता है। ये रास्ता अच्छा है, बढ़िया रास्ता, पीसफुल है। कर दिया ऑन, रेड बटन दबा दिया ना, दिमाग कर रही मत करो, किसी और से बनवा लो वीडियो। तूने लास्ट वाले वीडियो जो हम लोग उदयपुर गए थे उसमें बहुत सारे वीडियो तूने खराब किए थे। मैंने खराब किए थे और क्या, वीडियो चला के, वीडियो ऑन नहीं है, बस लैंडस्केप बोर्ड में रख दिया तूने और वीडियो ऑन ही नहीं किया, और मैं बके जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ। सही में मैंने जब निकाल के मैंने वो क्लिप देखने चाहे तो क्लिप ही नहीं थे। मुफ्त का काम ऐसे होता है, जब ऐसे हाईवे पे हम लोग जब चलते हैं ना, जिसमें बीच में ये लगा रखे हैं पौधे वौधे लगा रखे हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं पौधे, तो ओवरटेक करने के बाद हमेशा लेफ्ट में आ जाना चाहिए। बीच में से निकल के कभी कोई कुत्ता आ जाएगा, कभी कोई गाय आ जाएगी, बछिया आ जाएगी, बछड़े आ जाएगी, जैसे ही ओवरटेक किया वैसे ही लेफ्ट ले लेना चाहिए, और लेफ्ट लेके फिर चलते रहिए, आपको इतनी स्पेस मिल जाएगी। अगर कोई क्रॉस भी करेगा ना तो पता चल जाएगा आपको, और आपके पास टाइम रहेगा बचने का बचाने का भी, ना आपका नुकसान होगा ना जो सामने से क्रॉस करेगा उसका नुकसान होगा, ना उसकी जान का कोई खतरा होगा। ये एक्सीडेंट देखो भैंस की आंख को, ये देखो एक्सीडेंट भाई साहब, सामने से तो कचुंबर ही बना दिया। तो अभी हम लोग, पहले मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ एक बार और दिखाता हूँ कि अभी कहाँ पहुँचे हैं। ओए गाड़ी में करंट आ रहा है। ये एक छोटा सा डैम जैसा है और इस जगह का नाम है अफजलगढ़, छोटी सी नदी है वो है डैम, और यहाँ से हम लोग इधर उस तरफ से हम लोग आए, डैम को क्रॉस किया और इस तरफ को जाएंगे। आगे किस तरफ पे जाएंगे पता नहीं, आगे और क्या क्या अभी कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे ये नहीं पता मेरे को। अभी ये वाला रास्ता छोटा रास्ता है लेकिन अच्छा रास्ता है, ग्रीनरी बहुत है इसमें, तो अब बढ़ते हैं आगे की तरफ यहाँ से। तो हम अभी पहुँच गए हैं नजीबाबाद, नजीबाबाद से होते हुए फिर हम आगे निकलेंगे। रास्ता ये हरिद्वार वाला ही है, बीच में GPS ने इधर उधर भटका दिया था कहीं पर, तो हम कहीं अंदर अंदर से निकल के फिर वापस उसी रोड में आ गए थे। अभी जो टाइम है वो टाइम हो रहा है 3:00, 3:10 है, तो मतलब मान के चले कि 5 घंटे की ड्राइव हो गई अपनी, 10 बजे के करीब हम लोग निकले थे, और अभी 658 किलोमीटर हम लोग को और चलना है, 12 घंटे की ड्राइव है और 3:30 तक हम पहुंचेंगे एज पर GPS मैप। यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है यहाँ देखो, इधर अभी भी रोड बनने में है। ये हम हरिद्वार ही जा रहे हैं, हरिद्वार होते हुए ही निकलेंगे मुझे ऐसा लग रहा है, और रोड तो बाप रे पूछो मत कैसी रोड हो रही है। इसीलिए ना दिल्ली से हर जगह जाने वाले रास्ते अच्छे हैं, कनेक्टिविटी अच्छी है, लेकिन किसी और स्टेट से निकल के किसी और स्टेट में जाएं दिल्ली को छोड़कर ना, बहुत गंदे गंदे रूट हैं, बहुत बेकार रूट है। लेकिन मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये यहाँ से क्यों दिखा रहा है हम लोगों को, और ये और टाइम 2-3 मिनट बढ़ते ही जा रहा है, पता नहीं गलत जा रहे हैं सही जा रहे हैं। धीरे धीरे यहाँ से पुल ऊपर से जा रहा है, अभी हम नीचे से निकल रहे हैं, पूरी ये नदी है पूरी की पूरी सूखी हुई नदी। तो अभी हम लोग पहुँचे हैं खैरा पंजाबी ढाबा, मतलब हरिद्वार ही पहुँच गए हैं। अब बताए मुझे ऐसा लग रहा है ना हरिद्वार रुक जाए। नहीं वैसे वैष्णो देवी चलेंगे, अब पीते हैं यहाँ पर हम लोग चाय, थोड़ा सा फ्रेश होते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चाबी और पर्स उठा लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर मैं फ्रेश फ्रेश हो गया हूँ और कॉफ़ी चाय वाय पी ली है हम लोगों ने। ये जो रेस्टोरेंट है खैरा पंजाबी रेस्टोरेंट, ये जस्ट हरिद्वार पहुँचने से 1:40 पहले ही है। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे, अपनी जर्नी जो है उसको कंटिन्यू करते हैं। हरिद्वार की पहाड़ियाँ दिख रही हैं और मन तो ऐसा कर रहा है कि हरिद्वार रुक जाए, हरिद्वार रुक जाए और एक दिन हरिद्वार की आरती देखें और एक दिन ऋषिकेश की आरती देखें। ऋषिकेश की आरती अभी तक देखी नहीं है, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, कहते हैं वो बहुत बढ़िया आरती होती है, लेकिन आज तक नहीं देखी है, देखेंगे कभी मौका मिलेगा तो। खैर अभी फिलहाल वैष्णो देवी
का ही जो प्लान बना है उसी प्लान पे स्टिक करते हैं, है कि नहीं? यस। इतने सुंदर व्यू आ रहा है, बोलने भी तो दे, मुझे बोल, फिर या तो बोल दे कि तू अभी बोल मत, पहले मुझे लेने दे। तू चल जाता, वो व्यू चला जाता तुझे। कैमरामैन, तू इतनी देर में मैं बोलती हूं वो व्यू चला जाता, फिर व्यू तो यहां से भी आ रहा है, यहां से भी आ रहा है। किसी और को रख ले। नॉट अ गुड कैमरा वुमन। यहां से राइट देहरादून के लिए और ऋषिकेश के लिए तो सीधा जाएंगे, लेकिन हमें अब लेना है लेफ्ट। जो रूट पे निकलेंगे उस पर आएगा मुजफ्फरनगर और क्या थी? मैंने बोला था सहारनपुर। हाँ, सहारनपुर आएगा। तो ये क्रॉस करते हुए फिर तब हम लोग अंबाला पहुंचेंगे और अंबाला से फिर आगे बढ़ेंगे, मतलब पंजाब क्रॉस करेंगे, फिर उसके बाद तब जम्मू पहुंचेंगे। तो ये है अभी फिलहाल अपना रूट। बहुत टाइम के बाद रूट बढ़िया मिला है। कितने देर तक ये चलता है रूट देखते हैं। तुम कितनी देर से जागे हुए हो? मैं, ओ अच्छा, हाँ ये बहुत सही क्वेश्चन तूने पूछा। मैं जागा हुआ हूँ कल शाम 7 बजे से। कल शाम के 7 बजे से जागा हुआ। अब ऑब्वियसली नाइट शिफ्ट है तो फिर अब इसके बाद थोड़ा रेस्ट भी करेंगे, क्योंकि हॉल्ट करना थोड़ा सा तो जरूरी था। अभी हमने हाफ एन आवर का हॉल्ट तो लिया ही था। ये रोड बहुत मस्त है ना? हाँ, ये रोड बहुत बढ़िया है। ये एकदम बढ़िया रोड है, सीधे निकलेगी दिल्ली की तरफ, एकदम फर्स्ट क्लास ऐसे ही रोड एकदम। अच्छा, हाँ। तो ये हम किस तरह, मुझे समझ नहीं आया, ये अभी हम गंगा मैया के दर्शन कर पाएंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, गंगा मैया के दर्शन नहीं कर पाएंगे। गंगा मैया के दर्शन करने के लिए तुम्हें राइट मोड़ना पड़ता ना। अच्छा अच्छा, राइट मोड़ना पड़ता। ठीक है, हमने दे दिया उधर से लेफ्ट, अब सीधे चलते हैं। अभी यहाँ से हम लोगों को जो टाइम लगेगा वो 12 घंटा अभी भी दिखा रहा है, इसलिए क्योंकि हम आधा घंटा 20 मिनट या आधा घंटा जैसा हम वहाँ पर वो रेस्टोरेंट में रुके थे, हम लोगों ने चाय पानी किया था। 624 किलोमीटर और चलना है और GPS के हिसाब से हम पहुँचेंगे 6 बजे सवेरे। मतलब ये अंबाला रोड है और जो हाईवे है तो हम इसी में हैं और यहाँ पर हम आए हैं वीरा करके एक ढाबा है, वीरा स्ट्रीट मैजिक है, वीरा रेस्टोरेंट करके। रोड पर ही है, मतलब ये हाईवे पर ही है। और अभी बज रहे हैं 7:30। यहाँ से अभी भी करीब 493 किलोमीटर, मतलब 490 किलोमीटर मोटा मोटी आप मान लीजिए यहाँ से है, और 10 घंटे यहाँ से और लगेंगे हम लोग को पहुँचने में। जर्नी जो है वो जारी है। यहाँ पर खाना पीना खा लेते हैं क्योंकि आगे का पता नहीं है। ये एक अच्छा जो है रेस्टोरेंट दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ। हाँ गुगू, मनु ढाबा विद द ट्विस्ट, इसका मतलब गोलगप्पे भी है। करता हूँ जूम, वीरा द ढाबा विद द ट्विस्ट, यहाँ पर रुके हैं हम लोग। अगर आप अंबाला की तरफ जाएंगे उस तरफ जो है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा। और बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आप ईवी से आ रहे हैं तो यहाँ पर ईवी के चार्जर भी हैं, दो चार्जर भी हैं, तो यहाँ पर आप अपनी ईवी चार्ज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, वीरा द ढाबा विद द ट्विस्ट। माता रानी की ऐसी कृपा हो रही है ना कि हमें टच फूड अभी तक बिल्कुल नींद नहीं आई है और हम लोग मस्ती करते गाने गाते चल रहे हैं। नहीं तो अभी तक तो मैं कितनी बार सो चुकी हूँ। बहुत बढ़िया एम्बियंस, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास बना रखा है एकदम। 4G आ गया न, कुछ खास नहीं होगा स्पीड, मुझे लगता है नहीं पकड़ा ना। मैं मतलब बता रहा हूँ कि इसमें मेन्यू रीजनेबल है कि नहीं है। ये जगह अच्छी है, बढ़िया जगह है। दोनों ने स्वीट कॉर्न सूप मंगाया है और मैंने अपने लिए मंगाई है चाय। फिर उसके बाद कुछ देखते हैं, कुछ खाने को अगर मन किया तो फिर खाएंगे ना। वैसे हम ये सोचते हैं कि हमेशा हल्का ही खाएं, लेकिन जब रेस्टोरेंट में खाने बैठते हैं ना, पंजाबी है भाई, दिल खोल के खाते तो खाना पीना हम लोगों ने खा लिया है। अब हम यहाँ से चलते हैं सीधे, अब रुकेंगे कटरा। तो फटाफट से एक बार मैं यहाँ के बारे में बता दूं, जहाँ पर हम लोग ये वीरा ढाबा में रुके थे। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि वीरा ढाबा जहाँ पर हम अभी रुके, खाना वाना खाया हमने, अपना डिनर यहीं पे कर लिया, अच्छा है, एम्बियंस अच्छा है इसका और खाना भी ठीक ठाक है। टेस्ट के हिसाब से गुगू को तो नहीं पसंद आया, मन्नू को भी नहीं पसंद आया, मुझे पराठे पसंद आए थे। ये पराठों में नमक ही नहीं था इसीलिए पसंद आया। मुझे तो सही लगा गुगू, मुझे तो कोई इतना मतलब ऐसा था, डिसेंट था, मतलब सबके हिसाब से बना रखा था, जिसको नमक डालना है वो डाले। ऐसा कहना पराठे खोल के थोड़े नमक डाल कर जिसका नमक डालना डाले, पराठे का परत उठाओ और नमक डालो, ऊपर से स्प्रिंकल कर लो ऐसे करके। बिल्कुल प्राणों में नमक नहीं था, अब जब तक स्पाइसी ना हो, नमक तेज ना हो, तब तो मुझे तो मजा नहीं। बोला कैसे? तो खाना ठीक ठाक है यहाँ पर और रीजनेबल भी है, वॉशरूम अच्छा है, पार्किंग है, सब कुछ है, बढ़िया है।
खाना पीना इधर आके खा सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं, फैमिली के साथ आ सकते हैं। हाँ, फैमिली के लिए बहुत बढ़िया है। गोलगप्पे भी हैं, गोलगप्पे भी हैं। पर 500 किलोमीटर और यहाँ से कवर करना है। रात के हो गए 8:30। पूरी रोड लगता है इसी के लिए बना रखी है। ऐसा लग रहा है हट जाएगा। हम इसके साथ खेला कर सकते हैं, जाके जोर से रेस देता हूँ, दूम से टकराता हूँ और फिर वापस आ जाएंगे। साथ में सीढ़ी भी आ जाएगी, साथ में सीढ़ी भी आ जाएगी। सीढ़ी दीपू के लिए ले चलते हैं। दीपू की सीढ़ी की बहुत जरूरत होती है ना। एयर बैग है, पता है, दूसरा एयर बैग। तो अभी हम लोग एक पेट्रोल पंप पे रुके हुए हैं। 170 किलोमीटर और चलना है, फिर हम लोग पहुँच जाएंगे कटरा। और रात के भी बज रहे हैं 3:10 है। इस गाड़ी ने बहुत साथ दिया है, इसी के भरोसे चलते हुए आ रहे हैं। अब इसकी सर्विसिंग भी करानी है जल्दी, तो थकावट हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, अच्छा, एक जगह पे रुक के मैंने 2000 का पेट्रोल और भराया था, तो टोटल 6000 का पेट्रोल भराया। कटरा का रास्ता चेंज हो गया? हाँ, कटरा का रास्ता चेंज नहीं हुआ है, यहाँ से इस तरफ को हो गया। कथुआ पहुँचे हैं। ओ, अभी कथुआ पहुँचे हैं। हाँ, नहीं कटा टोल, यहाँ कटेगा टोल शायद। हाँ, यहाँ पर कटेगा टोल, ये है टोल प्लाजा। जोर से बोलो जय माता की। जय माता दी, माता की कृपा हो। यहाँ धीरे धीरे पहुंच ही गए, थक तो बहुत गए हम, लेकिन पहुंच गए। 15 घंटे से ज्यादा हो गया हमें सफर करते हुए, और हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं। अब जाके थोड़ा सा रेस्ट करें, हम लोग कटरा पहुंचने वाले हैं। कटरा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, और ये जो टोल था, आई थिंक ये आखिरी टोल था, इसके बाद टोल नहीं होगा। तो कटरा से 20 किलोमीटर पहले ये टोल पड़ता है। तीनों थक के चूर हो चुके हैं एकदम। रूम लेते हैं और मुँह हाथ धो के फ्रेश होके सो जाएंगे कम से कम 3 से 4 घंटे, क्योंकि 5:30 तो यहीं बच गए हैं। तो वो टनल आ गया, टनल आ गया, टनल आ गया। अच्छा, जिस टनल का वेट था, जिस टनल का वेट कर रहे थे, वो टनल आ गया। ये है टनल। ओए नुजा, टनल टनल, यार इन द टनल दिन हो गया। लेकिन ये छोटा टनल है, ये बड़ा टनल है। अभी टनल एक और आ रहा है। अच्छा, दूसरा टनल है, और 40 किलोमीटर की स्पीड होनी चाहिए, उससे ज्यादा स्पीड नहीं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। चेहरे चमक रहे इस टनल की लाइट में। और बाकियों के मुकाबले ये वाला टनल जो है काफी बड़ा टनल है, लंबा टनल है। तीसरा क्रॉस किया, वो चौथा आ गया इसी के बाद। टनल देख के अचानक से एनर्जी आ गई थोड़ी सी। ये भी टनल, लंबी टनल है ये। मुझे लगता है यही है ना। हाँ, जो चढ़ते हुए जाते हैं। यस यस, कितना सुंदर दिख रहा है ना, कितना बढ़िया दिख रहा है। लाइटिंग लगा के और जाने के रास्ते में ज़िगज़ैग उसको लाइटिंग से कर रखा है। क्या बात है भाई, मजा आ गया देख के। जिन्होंने पर्ची काटी यहाँ पर, म्यूनिसिपल कमेटी की पर्ची कटती है, 115 रुपये की पर्ची कटी है गाड़ी की, और वही होटल दिखाने ले जा रहे हैं। फाइनली पहुंच गए, कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली इसको भी हम लोगों ने हाना हाना करते करते आखिरकार माता के दरबार पहुँच ही गए। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं वैष्णो देवी और कटरा, मतलब कटरा में यहाँ पर रुके हैं। कटरा के मेन मार्केट में हमने होटल ले लिया है। अभी बज रहे हैं 7, मतलब ये सब होटल लेते होते, रूम लेते होते, खोजते खाजते पहुँचते 7 बज गए हैं। करीब 21-22 घंटे की जर्नी जो है हल्द्वानी से, वो हमने की है। अब हम करते हैं रेस्ट, आराम करेंगे। एक बार व्यू दिखा देता हूँ यहाँ से, विंडो से यहाँ का व्यू जो है बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, मस्त व्यू एकदम, वो दिखाता हूँ। तो एक बार रूम दिखा देता हूँ। यहाँ से एंट्रेंस है, ये रहा बाथरूम। अच्छा, साफ सुथरा बाथरूम है, और टीवी इधर लगा हुआ है, सामान रखने के लिए यहाँ जगह है। ये हो गया बेड, इधर होगी बड़ी सी विंडो, और यहाँ से सीनिक ब्यूटी। कैसा लग रहा है फिर आके? बहुत अच्छा लग रहा है, और माता रानी के सच में बुलावा आया है, इसीलिए हम लोग आए। हाँ, तो ये रूम हमें पड़ा है 2000 का। हमने दो रूम लिए हैं, एक मनु ने लिया है मेरे भाई ने, और एक हमने लिया है। तो 2000 का एक रूम पड़ा है, एसी वाला रूम है। तो हम अब चढ़ने के लिए तैयार हैं, यहाँ से होटल से निकलते हैं। होटल की गाड़ी है जो छोड़ के आएगी,
जहाँ से चढ़ाई शुरू होती है वहाँ तक ये लोग छोड़ देंगे और वहाँ से फिर हम अपना चढ़ना शुरू करेंगे।